बेसिकली हमें उसकी कैलकुलेशन गिवन है अब उस कैलकुलेशन को यूज करके फर्दर हम मल्टीवेरिएट मल्टीपल रिग्रेशन को कैसे यूज करते हैं हम वो इस एग्जाम्पल में स्टडी करेंगे नाउ दिस इज द एग्जाम्पल फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑप्टेन फ्रॉम अ सेट ऑफ नाइनटीन ऑब्जर्वेशन। सो वी हैव दाइनटीन ऑब्जर्वेशन ऑन सिक्स वेरिएबल दीज आर दिक्स वेरिएबल दीज आर द्री इन वेरिएबल एंड दीज आर द्री

फाइंड क्या करना है हमने एस्टिमेट क्या करना है मल्टीवेरिएट रिग्रेशन यूज करना है उससे हमें क्या होगा द जॉइंट मॉडलिंग ऑफ वाई वन वाई टू वाई थ्री की साइमल्टेनियसली हमारे पास इक्वेशन आ रही होंगी इसको हमने कंसिडर करना है सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीवेरिएट मल्टीपल रिग्रेशन कब यूज़ करनी है जब हमारे पास कंप्यूटेशन यानी कि आपके पास रिजल्ट के वन है उसको फर्दर यूज करके हमने एस्टिमेट करनी है रिग्रेशन मॉडल नाउ हेयर इज दल्यूशन

सो so, हमें गिवन क्या है फाइंड करना है हमने b कैप गिवन है हमें दिस इज दी x प्राइम x गिवन है इनवर्स फाइंड करना है और दिस इज दी x ट्रांसपोज y 4 क्रॉस 4 का आपके पास मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 का इनवर्स मैन्युअली फाइंड करना डिफिकल्ट होगा देन हम इसको एक्सेल पे या आप इसको आर पे किसी पे भी इसका इन्वर्स इजिली फाइंड कर लोगे अभी हम इसको एक्सेल पे चेक करेंगे कि फोर क्रॉस फोर का इन्वर्स हमारे पास क्या आ रहा है सो दिस इज दाई आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दिस इज दी कैप सो एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इन्वर्ट्स एक्स ट्रांसपोज वाई हमने क्या किया बी कैप फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया x ट्रांसपोज x होल इनवर्स इन टू एक्स ट्रांसपोज वाई अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रही है इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे द मल्टीवेरियट रिग्रेशन मॉडल इज देअर फोर साइमल्टेनियसली रन होगी अब साइमल्टेनियसली रन हो गया आपके पास क्या चीज डिवेलप हो रही है थ्री यूनिवेरियट रिग्रेशन मॉडल डिवेलप हो गए सो द वाई वन इज द यूनिवेरियट रिग्रेशन मॉडल

तो हमने क्या किया मल्टीवेरियट रिग्रेशन मॉडल्स को हमने रन किया और हमारे पास बेसिकली क्या डिटर्मेंट हो गए थ्री यूनिवेरिएट रिग्रेशन मॉडल डिटर्मिन हो गए हैं सो वाई टू वाई टू के लिए हम यहाँ से ले रहे हैं दिस इज दी नॉट दिस इज द बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू एंड प्लस बी थ्री एक्स थ्री ये वाई टू के लिए हो गया जनरेट एंड देन हमारे पास हो गया फॉर वाई थ्री यहां से आप कह लो वाई टू के लिए जनरेट हो गया दिस इज फॉर वाई वन सो वाई थ्री इक्वल्स टू दिस वन बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू एंड प्लस बी थ्री एक्स थ्री तो फाइनल हमने क्या कहा वी कैन सी दल्टीवेटेड रिग्रेशन मॉडल इज़ कलेक्शन ऑफ थ्री यूनिवेरिएट रिग्रेशन मॉडल यानी रिग्रेशन मॉडल हमने रन किया और हमारे पास डिटर्मिन क्या हो गए थ्री यूनिवेरिएट मल्टीपल रिग्रेशन जनरेट हो गए रिग्रेशन मॉडल हमारे पास आ गए हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या क्या था बेसिकली इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया हमारे पास कैलकुलेट वैल्यूज थी उन कैलकुलेट वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने रिग्रेशन मॉडल फिट किया और रिग्रेशन मॉडल हमारे पास जो है साइमल्टेनियसी रन होके रिग्रेशन मल्टीवेरिएट मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल से हमारे पास थ्री यूनिवेरिएट रिग्रेशन मॉडल जनरेट हो गए हैं सो so, ये आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और डेली लाइफ में बहुत इजीली ये यूज़ होती है कि हम मल्टीवेरिएट को ही बेसिकली डेली लाइफ में या मेडिकल में और सोशल लाइफ में सोशल एनालिसिस जो हम कर रहे होते हैं उसमें यूज़ होता है और वहां से आप मल्टीवेरिएट को यूनिवेरिएट में इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीवेरिएट मल्टीपल रिग्रेशन सो दिस इज द एक्स एक्स अब इस एक्स ट्रांसपोज एक्स को मैनुअली हम चेक नहीं करेंगे हम इसको एक्सेल पे चेक करते हैं ये डेटा है यहाँ पे आपके पास एक्स ट्रांसपोज एक्स का उसको एक्सेल में मैंने एंटर किया डेटा फोर बाय फोर का डेटा हमारे पास एक्स ट्रांसपोज एक्स है अब मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है सो फोर क्रॉस फोर है फोर सेल्स हम हाईलाइट कर लिए नाउ राइट इट डाउन टू एम इन किसका एम इनवर्स एम इनवर्स दिस इज नॉट एम इनवर्स हेयर इज द एम इनवर्स किसका फाइंड करना है हाईलाइट दीज वैल्यूज। ब्रैकेट एंड देन एंटर शिफ्ट कंट्रोल एंटर निस दिस इज द इनवर्स ऑफ फोर क्रॉस फोर प्रीवियस का अब आपके पास इन्वर्ट्स आ गया एक्स ट्रांसपोज एक्स इन्वर्ट आ गया देन इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने एक्स ट्रांसपोज वाई से तो फाइनली हमारे पास बी कैप की वैल्यू आ जाएगी जो प्रीवियस हमने यहाँ पे चेक किया या आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे बी प्राइम बी कैप के रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे सो so एक्सेल पे हमने इसको छोटा सा पार्ट देख लिया कि उसकी इनवर्स फोर क्रॉस फोर की हम कैसे फाइंड करते हैं